नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, बीएड परीक्षा 2015 ये प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है। प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद का, उदायमान भारतीय समाज में शिक्षा, ये इसका प्रथम प्रश्न पत्र कहलाता था 2015 में। अब जिसे हम लोग ज्ञान और पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और डेली बेसिस पे उसकी तैयारी करते रहेंगे। 28 से पेपर है, ज्ञान और पाठ्यक्रम 28 को लगा हुआ है, 29 को है मनोविज्ञान का अध्ययन और विकास, और 31 को है शैक्षिक तकनीकी और ICT। उसके बाद ऑप्शनल आते हैं, ऑप्शनल की डेट आप लोग देख सकते हैं क्योंकि कई स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स और AG, तो उनके लिए ऑप्शनल अलग अलग है। जो फाइनल ईयर में आपका यानी स्नातक के फाइनल ईयर में होगा वही आपका ऑप्शनल होगा, उसे आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। करना क्या है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप फॉलो करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF फाइल डाउनलोड करें, ठीक है। फर्स्ट पेपर है उदयमान भारतीय समाज, उसके बाद आता है सेकेंड पेपर जो आएगा वो आएगा द्वितीय प्रश्न पत्र है शैक्षिक अधिगमन और मनोविज्ञान। इसे आप 3 खंडों में डिवाइड कीजिए, आ बा और सा। आ बा सा, आ में 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 50-50 शब्दों में इसको लिखना है। बा में आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा, इसे आपको 200 शब्दों में लिखना है। और सा में आपसे 4 प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन आंसर्स आपको 2 को ही देना है और इसे आपको 500 शब्दों में लिखना है। इस टाइप से आप इसे 5 पेज में लिख दीजिए, इसे आपको 2 पेज में लिखना है, जबकि इसे आपको हाफ पेज में आधा पेज में लिखना है। इस टाइप से आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं 28 से 30 पेजों में। मिलते हैं थर्ड क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड क्वेश्चंस कहा जा रहा है तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक संगठन स्वास्थ्य शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी, बहुत बड़ा नाम था पहले, अब इसका नाम हो गया है शैक्षिक तकनीकी और ICT, ठीक है। थर्ड पेपर है, इन्हीं के बाद ऑप्शनल स्टार्ट होता है। इसे भी आप 3 खंडों में डिवाइड करिए, आबासा दा, ठीक है। आबासा 10 प्रश्न, 5 प्रश्न और 2 प्रश्न, उसी के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। कोई भी ऑप्शनल हो वहाँ से आपको यही करना है, ठीक है। 3 खंड दिए जाते हैं, उसमें से क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और राइट आंसर्स लिख देना है। तो इस टाइप से आप पूरा पेपर देख सकते हैं, पूरा पेपर दिया गया है, PDF के माध्यम से दिया गया है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। बस क्या करना क्या है, चैनल के साथ जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही साथ जो निर्देश बताया जा रहा है उसे आप फॉलो करें और फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF फाइल पा सकते हैं। 5 साल की PDF फाइल हमने पूरा सॉल्व कराया है, साथ ही साथ पूरी PDF फाइल फ्री में देने का आह्वान किया है। ये अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद की बात हो रही है, BEd फर्स्ट ईयर की, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप फॉलो करें और सभी जो 16-18 टाइप के ऑप्शनल थे उन सारे क्वेश्चंस का सेट दिया गया है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला ऑप्शनल कौन सा है, तो ये 20वां है, संगीत का शिक्षण पद्धति। ये 2015 का पेपर है, 2017 के बाद से 16, 17, 18 में अब से टोटल 16 ही ऑप्शनल पूछा गया है। संगीत की शिक्षण पद्धति ये पहले नहीं पूछी जाती थी, ये 2015 में पूछा गया है, इसका भी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 19वां है गृह विज्ञान का शिक्षण पद्धति, ये तो अभी भी है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ कोरिलेट करके क्वेश्चंस खूब पूछता है, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और अपने आप में अच्छा अंक अचीव करना है, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छा अंक ही आपको सफलता दिला सकता है। क्योंकि अब आपको पता होगा अंकों के माध्यम से आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।